इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो डॉक्टर जावेद महमूदी मतलब ये हीरा और शहजादे हमारे पास के लास्टली ये मुलाकात तो मेरी थी जैसे कुछ ऐसा पहले ही हुई थी, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँगा डॉक्टर जावेद। तो उससे पहले ये हुआ था कि जब प्रेजिडेंट साहब आए हुए भी तो साहब ही कह रहे थे उस समय तो और कहते खैर इससे बहुत है चले उनमें से आपको बताते हैं यू और मैं रहता था मेरा लाहौर में घर था तो हमने कहा इकट्ठा पढ़ेंगे ठीक है जी। तो अभी सेकेंड ईयर प्रोफेशनल था या थर्ड था क्या तो कह रहा तू मेरे आगे अब हम बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं जब रात के 12 बज के तो मैंने कहा आरिफ मेरे तो 12 बज के मेरे इससे तो जब मेरी 4-5 बजे आप खुद ही देखा शेरा पढ़ रहे तो मेरी वो पढ़ता बहुत पढ़ा पूरा में बहुत पढ़ा। फिर वो ये हुआ कि अभी जब प्रेजिडेंट बन गया तो पता चला घर वो फिर उन्होंने कहा कि जी आना है ब्रांच के ऊपर आना है तो तूने सारों को जमा कर लिया है मैं कहते चले कि तो प्रेजिडेंट साहब है तो फिर कहीं हमारे बैठे हैं कहीं तो लिटरली ये मैं उसी बात से इनकी बात के ऊपर इनके ऊपर आ जाऊँगा कि कई जो डेंटिस्ट हम मेरे क्लास में बैठे वो आपस में 70 के बाद में भी पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं मिले ठीक है जी। तो वो उनको एक अपॉर्चुनिटी आज तक दुआएं देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और कईयों को चलाना नहीं आता था मैंने कहा सारी जिंदगी उंगलियाँ चला के लोगों के दांतों में इधर उधर मारते रहे और टेढ़े मेढ़े नहीं करते आज कल सीख लो तो ऑनलाइन टेलीफोनों पर सिखाया अल्लाह का शुक्र ग्रुप बन गया अभी तक आए हुए हैं सारा उसमें से हमारे जैसे डॉक्टर जावेद ये भी आए सारे आए वहाँ काफ़ी सारे। तो मेरे पास वो याद पता नहीं मैंने अब जल्दी में रात में नींद में कुछ डाली है अपने इंट्रोडक्शन में कुछ पिक्चर्स है आपकी जो है ना जी इनकी भी हैं इनकी शहजादे उस वक्त अभी भी माशाल्लाह। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डेंटिस्ट्री बड़ा अच्छा प्रोफेशन है हमारा तो पैशन है और इनका भी डेफिनेटली ये पैशन है जिस तरह से ये इधर की भी किश्ती चला रहे हैं माशाल्लाह कैनेडा में भी कैनेडा मेरे पास आए भी माशाल्लाह भी किया मैंने दिल से इनको बातें बताई ही फॉलोड बहुत सारे इंडियंस भी आते हैं कईयों को उंगली पकड़ के लाइसेंस भी दिलवाया वहाँ का मतलब सिखाया ऑब्वियसली वहाँ ना नकल चलती है ना सिफारिश चलती है तो गाइडेंस इतनी भी हो सकती थी होती। तो जब प्रेजेंट आउट में तो आगे ये हुआ ये था कि मैंने फिर क्योंकि मैं ही एमसी का उसको पता है कि मैं बोलता हुआ तो साथ ही बैठा हुआ था तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी थी सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि प्राइवेटली उन्होंने अपना प्रेजेंट हाउस भी किया था तो वो स्पीच में कर रहा था तो उसमें मैंने कुछ उनको कहा रिक्वेस्ट की कि आप पीडीएफ को जो है ना जी सेपरेट कर दें ठीक है। और मैंने कहा जैसे कैनेडा में हमारी रॉयल कॉलेज है यूके में है सारी जगहों में तो इसने मैं खड़े होकर जवाब दिए बड़े अच्छे दिए मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ये एफर्ट वो किया। तो पीएमडीसी कॉल कर रहा है मुझे कहा था मैंने कहा यार पॉलिटिक्स में मैं नहीं आता तो मैंने जो मुल्क के लिए काम करे उसको शुरू तो उन्होंने फिर वो मैंने यही कहा मैंने कहा आई वांट टू से वन सेंटेंस अबाउट प्रेसिडेंट इन अरेबिक तो मुझे अरेबिक फ्लुएंट आती है कतर में बैठे मैंने कहा मैंने गले हम लोग एन जरा गले से नहीं निकाल सकते ना पाकिस्तानी लोग हाँ जी तो मैंने कहा अना आरिफ या आरिफ ऐसे लोग बहुत सारे उसकी वाइफ आरिफ का मतलब होता है कि समझना लेकिन किसी को गहराई में समझना कि मैं बहुत अच्छी तरह समझना ही वॉज वेरी गुड एज ए प्रोफेशनल बहुत अच्छे। तो डॉक्टर जावेद जी थे फिर हमने ये किया कि मेरा इरादा था कि हर एक से पूछेंगे कि किस पे क्या किया अपनी तुम उसको होशियार बहुत है वो उसको हालांकि मैंने बिल्कुल नहीं कहा उसने मुझे कहा कि अच्छा मेरे पास आज टाइम ही टाइम है आज मेरे दोस्त मिले हैं तो सारे शुरू है मुझे तू शुरू हो जाओ ठीक है। जब ये तू करती हुई थी तो मैंने किस्से सुनाने शुरू कर दिए मेरी आदत है मुझे किस्से को नहीं पाऊँ तो मैंने कहा देखो बाहर पाकिस्तान से इतना प्यार है कि हम किसी के मुँह से पाकिस्तान के बारे में नहीं सुन सकते एक किस्सा सुना रहे क्योंकि मेरे साथ बीता तो कहता हाँ बचाओ मैंने बताया मैंने कहा इस तरह मैं अपना वहाँ डेंटल क्लिनिक्स में कहता ऑफिस कहते हैं डॉक्टर
एक डेंटल ऑफिस में बेच रहा था, वहाँ बेचने के लिए बहुत जल्दी काम अकाउंटेंट सारी चीज़ें करनी पड़ती, तंग आया था। मीन वाइज मुझे कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन की एक ईमेल आ गई, इफ़ यू वांट टू गो टू क्यूबा तो $290 में आप 7 days खाना पीना बैठ का स्कैम होगा। इन्हें पता है कि वहाँ से खाली एक दूसरी जगह वैंकूवर जाए $600 का टिकट। मैंने कॉल की, उन्होंने कहा स्पेशली डेंटिस्टों के लिए, फिर चला गया। जब पहुँचा तो इमिग्रेशन पर जो लड़की थी उसने मेरा कैनेडियन पासपोर्ट खोला, तो जैसे खोला उसको पाकिस्तान की स्टैम्प पर दी गई थी। मुझे कहती ये भी तो पाकिस्तान, मतलब ये येस एंड दैट्स माय कंट्री ऑफ ओरिजिन, बट मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ थोड़ा, तो येस करके मुझे स्टॉप करके स्टे अंदर गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ला के दे दिया, ये कम्युनिस्ट कंट्री है। अभी मैंने झगड़ा किया तो मेरे साथ के जड़े गायब हो जाएगी। बाद में जब मैं सब उनका खा कर उड़ के जब जा रहा था तो मैं जो इमिग्रेशन थी उसको मेरे करते, जब उससे स्टैम मारी अपने कार्ड पे, उस वक्त वो पासपोर्ट पे एंट्री नहीं करते थे, US अलाउ नहीं करता था उस वक्त, अब तो ठीक हो गए। एनी वे तो वो कहती है, मैंने कहा तेरे ऑफिसर को मिल, कहती वो ऑफिसर को मिलना जैसे उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो मैंने कहा कि मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहते तुम उससे पूछ, मैं कहा नहीं तुम सारे क्वेश्चन के मेरे आंसर नहीं दे सकती, इसके अलावा इतने पीछे मेरे लोग खड़े हैं उनको डिस्टर्ब करो उनके सवाल, कहती ओके यू गो आप संपर्टिकुलरली तुम बटन दबाया रखने का दरवाज़ा खुला ऊपर गया, 5 मिनट बैठ गया, मुझसे सवार ना मैं फिर इंफॉर्मेशन पे खाली हुआ, वहाँ से फ्लाइट चली जा रही। तो एक जो है अफ्रीकन लड़की बड़ी थी तो मैंने उसको बिजनेस कार्ड किया मैंने कहा, तो वो फिर गई जाके उसने ऑफिसर को उसको ऑफिसर को जाके दिया थे। ये थोड़ी देर के बाद बेचारी हाफी काफी आई, कहती है उसको एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं आता, उसने कहा कि उसको स्पेनिश आती है और उसको कहो कि डॉक्टर को जाके सुबह पा रहे उसको कहो हम VIP लिस्ट पर तेरा नाम डाल दें। मैंने कहा आई डोंट नीड एनी VIP लिस्ट, मुझे रीज़न चाहिए। मैंने क्योंकि ये उसको कहा, मैंने कहा उसको जाके कहो कि इफ मैंने कहा कि इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान आई विल नेवर एवर कम टू योर कंट्री अगेन, आई विल मेक श्योर ऑल माई पाकिस्तानी पेशेंट्स इन टोरंटो शुड नेवर विजिट दिस कंट्री एंड आई गिव इन द मीडिया एज वेल, पता सारे उर्दू के अखबार फ्री के हैं, कहते हैं डॉक डॉक डोंट डू दैट, चलते ही वो उस पर आप गया तो नहीं वहाँ तो मैं नहीं गया, अच्छा अच्छा तो नहीं गया, शिकार शिकार नहीं चखाया नहीं गई वो जनाब। मैंने कहा मेरी ऐसा बात का जवाब दे, कहती है कि अच्छा मैं उस पर हार गई, कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमें इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम इंटरपोल कि अगर कुछ ये कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है तो कोई जाए तो उसको चेक करो। मैंने कहा यस योर ड्यूटी इज़ टू चेक बट वाई शी स्पेसिफिकली सेट मी के ये दिन तो पाकिस्तान में है, क्राइम का भी पाकिस्तान का तो ये इत तो कहती है कि उसने ऑफिसर ने कहा कि जाओ माफिया मांगो और वी विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम। मैं तो उस बेचारी का क्या कसूर उस वक्त एक्शन लो, उसने तो जो ऑर्डर था वो फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा मुझे यूनिवर्सिटी हवाना ने बुलवाया लेक्चर का, वो VIP की तरह वेलकम हुई है तो किससे बढ़ेंगे। मैंने उसको सुनाया तो मुझे आरिफ के साथ उसने कहा कि बड़ी तालियाँ मारी, तो कहता है कि वो इस साल का तो हमने वो कर लिया है अपना क्या देते हैं अवार्ड प्रेसिडेंशियल तो देते हैं कुछ इस दफ़ा का दे दिया भाई साहब। वो मुझे मिला था हमारी उनसे 2 साल जूनियर था कामरान, अच्छा यू माइट बी डूइंग कामरान, हां जी हां जी वो स्पेशल कराची में गया था वहाँ अल्तमश में लेक्चर देने और वो साथ ही PDA ने जो आपकी फोन है वो मैंने कहा उसने कहा कि हमने आपको लाइन पर बैठी करवा मेरा उसने दिया पेपर शीट पेपर का, तो ये वहाँ बड़ा आके गले मिला। तो मैंने कहा तो अवार्ड लेके आया भरे, इसने कहा कि नेक्स्ट का तुझे लेंगे। मैंने कहा आपने कह दिया मुझे मिल गया, थैंक यू, मैं कैनेडा वापस चल रहा हूँ। तो ये इससे बहुत सारे हैं, तो एनी वे वी विल स्टार्ट शुरू करते हैं। हाँ जी अब मैंने उधर बैठना है, यहाँ बैठा आते हैं अगर आपने उसको कैसे वो इंट्रोडक्शन में तो चलो डाल दें बाद में इंट्रोडक्शन जरूर करें जी। क्लिनिकल पार्ट पूछे छुरियों के लिए जो है ना, कि फिर प्रोफेसरों को टच करें।
नेट पे सारा सारा नेट पे मौजूद है, उस पर टाइम ना वेस्ट कीजिए। ये मैं जल्दी ही बनाई थी, ये माशाल्लाह जो डॉक्टर हसन मशीर है, मुझे अब नहीं पता इनका क्या डेजिग्नेशन इसमें है, लेकिन ये जो पौधा डॉक्टर जावेद ने और इनकी और इनकी काविश, ये जरा थोड़े से कम होते छुपे हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत इनकी एफर्ट है इस पी डी ए को चलाने के अलावा। डॉक्टर जावेद का तो मैं पूछा जी, एथिकल का लॉन्स में तो हम बहुत बेस्ट कर सकते हैं बॉडी से एथिकल डेंटिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि अभी भी करके इसी बात से मैं बात आपको बता रहा हूँ, अभी आई थिंक ए पी सी की कोई हुई थी जो कॉल करते उन्होंने काफ़ी पहले का कहा हुआ था मैंने, और उस वक्त उस दिन मैं जेनीवा पहुँच ही था, टाइम डिफरेंस था, तो फिर मैंने लगाया ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी लेकिन चला दिया पता नहीं चला कि बैठक के जरूर होगा ना सर, तो उस वक्त मैंने यही कहा था आई थिंक क्या टॉपिक था एंड सॉरी टू से मैंने भूगो भूगो के सारों को प्रोफेसरों को टीचरों को लगाई थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, ठीक है जी, उसके साथ ही आज़ाद हो गए थे डेंटिस्ट भी जो मर्जी कर ले सबकी आंखों में एक्सरे फिट है, उनको पता है रूट कैनाल की लेंथ कितनी होती है, कोई ज़रूरत नहीं है पहला एक्सरे लास्ट एक्सरे, अच्छा जी कोई मेरी बात मानता तो बता दें, अच्छी मजाक में ठोक के लगाई मैंने, और मैंने कहा सबके एक्सरे फिट है सबको पता है सारा सारी चीज़ों का, तो वो ये चीज़ इनको पता है डॉक्टर साहब को कि कैनेडा में अगर आपकी एपिकली शॉर्ट हुई नहीं और पेशेंट ने कंप्लेंट की नहीं, उस जमाने में 40 सेंट का स्टैम्प होती थी, तो खैर कितना हो गया एक कंप्लेंट टू द रॉयल कॉलेज मीन्स के क्यूरेट स्टेट, उन्होंने इंक्वायरी बड़ी कर रही है और दे आर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक मोर देन द डेंटिस्ट, उनका असूल ये है, तो ये तो आज़ाद मुल्क है, तो यहाँ पी एम डी सी किया और प्रेसिडेंट साहब जो मर्जी है, तो एथिकल पे बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर वो बात से बात निकलती है, तो हम मैंने पी डी ए के पिछले प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे, हो गया शुक्र है उससे उससे काफ़ी पूछा था, मैंने उसी को कॉल करके बताने के लिए कराची गलती से एनर्जी ले गई, दूसरे रशीद समथिंग था जी जी, दूसरे रशीद का नंबर मिल गया, वो किसी और इंस्टीट्यूट के हेड थे, वो कहीं पुराने मेले में थे, मुझे किसी लेक्चर दिया था, तो अब वो पहचानी मैंने कहा यार अभी कल परसों तुम्हारी बात हुई, अरे वे टू कट सर मैंने नहीं कहा कि आपसे नहीं मेरी बात हो रही, तो कहते सर 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 वो आप आते हैं अभी भी एक भी लेक्चर, मैं कहते अच्छा यार क्या चाहते हो, कहते जी पेशेंट मैनेजमेंट पर दे रहे, तो मैं बड़ा हंसा मैंने कहा और यार की जमीन आसमान का फर्क है, मैं तैयारी बना दूँ, तो उसमें भी मैंने खूब ठोक के बनाए, कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली ये सब आपके लिए मैसेज है, सब कुछ के लिए है, जाना हम सब ने अल्लाह के पास है और नसीब होगी हमें कबर तो वही 6 फुट वाली बात है, तो यकीनन हमें जो हमें बताया गया है कि हमसे जो सवाल होंगे, आई थिंक एज ए डेंटिस्ट शायद अल्लाह ताला ये मुझे मैं प्रोफेशन दिया था मेरे इंसानों के साथ आप करके क्या है, ठीक है, तो बस वो याद रख रहे हैं ये पेशेंट मैनेजमेंट में एथिकल डेंटिस्ट्री इज वेरी और गिनी बिगना सबसे, मतलब अगर बाद हम कर रहे होते हैं जो मर्जी करते रहे कोई कोई मसला ही नहीं है, तो यहाँ बड़ा कॉमन अब बहुत आप लोगों में यंग लोगों में बहुत अच्छा है कि आप लोग लर्न कर रहे हैं, मुझे पता है कई मैंने तकरीबन अभी मैं पेशावर भी देख के आया था कराची में अलग अलग में हर जगह किए मैंने, तो पता चल जाता है कौन कितना इंटरेस्टेड है, और लड़कियों में सॉरी टू से कि कईयों की शादी होने वाली होती है उनको सर्टिफिकेशन या डिग्री चाहिए होती है उनका भी वो छोड़े, लेकिन बाकी लोग भी हैं जो करते हैं प्रैक्टिस करें, और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास इतने सीनियर मेंटरशिप मौजूद है, और बिल्कुल इतनी सी शर्म ना करें तो हो जी मेरी शायद इंसल्ट हो जाएगी, इन्होंने रहने ही रहना और ये खुश भी होंगे, कई चीज़ें आपसे लर्न कर रहे थे मैं लर्न कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी कई बातों के अंदर ही जाना जी मामा आपस में डिस्कशन हो रहा था कि अब ये कह रहे हैं अच्छा जी कुछ चले गए भाई तब तो आप सर डॉक्टर जावेद साहब के साथ जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया और उनसे सीखा, उसमें सबसे बड़ी बात थी जो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उनसे जो मैंने लर्न किया, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड ये है कि जी आई एम परफेक्ट एंड
what I know is set in stone and what I do is set in stone. That's wrong. बिल्कुल. अगर आपका एटीट्यूड ये है कि there is always room for improvement, I can make my work better, I can you know work harder, I can improve myself more, there is always room for improvement. ये चीज सर में थी कि वो नई चीज किसी की सुनते थे तो अगर उनका अपने पास टाइम नहीं होता तो he would give me a topic or my junior or somebody else की है कि ये चीज मैं घर में सुनी है जरा इन्हें जरा चेक करो इन्हें स्टडी करो लेट दे इन्हें ही सिखाओ मुझे जरा करके बताएं मुझे बताएं और एंड ही वुड ऑलवेज से कहते मैं कुछ कर रहा हूँ और आपको कुछ गलत नजर आए तो आप मुझे बताएं कि सर ये इसको हम इस तरह करेंगे तो ये बेहतर बहुत तो ये सर का जो एटीट्यूड था वो बड़ा एक इंस्पायरिंग चीज थी हमारे लिए बहुत तो इवन अब मेरे पास जिस तरह डॉक्टर हसन आपको बता रहे थे कि आई हैव जूनियर्स कमिंग टू मी तो हमें स्टडी किए हुए तो बहुत साल हो गए तो जो अब हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं वो उन्होंने कुछ नया जरूर पढ़ा होता है ऐसी चीज जो शायद हमारे नॉलेज में ना हो तो मैंने वर्किंग क्वालिटी फील्ड में कि टू सी मी डूइंग समथिंग इन अ सर्टेन वे व्हिच यू थिंक आई कैन इंप्रूव इट do it in another way and we can get better results so please point it out if you see my mistake point it out so I can improve myself and I can do better what if you are to mujhe wo yaad hai wo jo hot gate to the kaun sa wala jo hai wo calling hai to ye mujhe kal wahan maine diya ja ke dekh ke the ki bilkul hi maafi mil raha hai anyway to uske liye le gaya to jab wo main इसी तरह बातें वगैरह करके उसके बाद जो डेंटो फॉर्म पे कर रहा था अब इन मार्क से मैं कर रहा हूँ वो के वीडियो सीडी भी बनी हुई है तो वो ऊपर जो डीन और प्रिंसिपल थे वो देख रहे कुछ और देख रहे तो वो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स बता रहा हूँ ना तो एक उनके एसोसिएट प्रोफेसर थी उनसे तो उन्होंने कहा सॉरी एक्सक्यूज मी सर व्हाट डू यू थिंक इफ वी यूज ए काउंट डाउन मेथड अच्छा वो ऑब्वियसली तो मैंने उनको सुनाई नहीं मैं कभी डिस्करेज नहीं करता तो मैंने कहा वेल सेट डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहा है आपने ठीक है अब ठीक पड़ी थी ना उस टाइम तो मैंने कहा तो चल मेरे आगे फंसेगा तो अभी अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा आपने बहुत अच्छा कहा एम जो है वो ये है कि लेस टाइम में मैक्सिमम आप अचीव करें लेस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट ये मकसद है हमारा ठीक है जी जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ना एकदम उठ के खड़ा मैं तो वाई ना डॉक्टर भी कम बोल रहे हैं शो भी हाउ टू डू दैट और साथ ही प्रिंसिपल का सर आप कंटिन्यू करो तो जी किससे मैं फिर बात से बात आई थी वो ये वेदना में बुलाया वहाँ तेरा मैंने कहा ये बहुत दूर होगा क्या हो गया मैं चलो मेरे हाथ में एक पिक्चर लगाई थी वो मैंने वहाँ बड़ा ज़बरदस्त और अभी हमारा जब शुरू होना था तो मैं डॉक्टर जेलम वाले डॉक्टर ऋषि दो को मैंने कहा कि यार आप सब कैनेडा गए थे तो उनको मैंने कहा कि मेरे साथ दो मेरे आएंगे अब पाकिस्तान से आएंगे मुझे तो कैनेडा सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने ठहरने में गई सारा गई थी एनी वे टू कट शॉर्ट अब पहुँचे तो वो उन्होंने हमें अब वहाँ बड़े बड़े दूसरे आए हुए थे फ्रांस का एक डीन था और लंबा सा है आई थिंक एक पिक्चर मेरे लगाई तो ना वो मुझे काफ़ी रश पड़ा था वो फोटो सेशन चल रहा था बड़े ट्यूज बने हुए मुझे डिब्रूगढ़ का कहाँ से है मैं कहना से फर्टीजरी हम लोग पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान का जिक्र करता हूँ तो यू मस्ट बी नो इंट्राइज मैं था नो नॉट नेसेसरी अ पार्ट ऑफ कैनेडा क्यूबेक देश की है मैं कहा देयर फ्रेंच इज मच डिफरेंट देन योर फ्रेंच मैं कहता हूँ तेरी नॉलेज में तो हो रहे अच्छा वो मैं गया तो कुछ लोग मुझे वो लेके चले गए अपना पिक्चर इधर बना रहे ये कर ले तो रशीद खड़ा हो गया तो उसको कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम तो उसने कहा फ्रॉम पाकिस्तान कहते हैं हाउ कम यू केम हियर मेरा दोस्त डॉक्टर रशीद ऑफेंडेड हो गया मैं आया तो मुझे कहता है यार हमने कह दिया कि तू मेरे छड़ के चला गया तो फलाना मैं कहा यार देख इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती इसने ये पूछा होगा कि तू इन्वाइटेड स्पीकर है तेरा कोई टॉपिक है ये मकसद होगा और खुदा ना खासा पाकिस्तान मैं अगर तेरा बदला मैं लूँगा अच्छा जी अब यकीन करें डॉक्टर साहब मैंने क्या किया उसके बाद इनाग्रेशन हो गई सारे बैठ गए बड़े झंडे आ गए जैसे एफ डी आई के नहीं ऐसे उनके सारा नारे निशाने ये वो सब हो गए उसके बाद मेरे किताब थी तो मेरा भी लेक्चर का नाम सब प्रिंट हुआ मैंने कहा देख इसका किधर है इसका नाम देखा जा तो वो देखा तो उसको उसी कमरे में था जिधर मेरा होना था मेरा बाप ने मैंने कहा चल जैसी हुआ तो हम चले गए माफी आप बैठी हुई थी अपने उसका लेक्चर शुरू किए फ्रेंच में दे रहा था और इधर से वो उसमें वियतनामीज में ट्रांसलेट कर रहा था तो अब मैं डॉक्टर रशीद को
उसकी पिक्चर बताऊँ कि ये क्या है, ऐसे क्या मैं अपनी शायरी निकाल रहा था मैं, तो जैसे उसके साथ खोल दिया मैं खड़ा हो गया, मैं तो वह उस प्रोफेसर तारीफ को बिल्कुल वहाँ कहता थैंक यू वेरी मच, बट यू नो मैं ऑल्दो आई डोंट नो योर सिंगल वर्ड ऑफ फ्रेंड एंड सॉरी गाइस तुम लोग की भी नहीं, लेकिन पिक्चर बोल रही है पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है, तो मैंने कहा बट जो कुछ तुमने दिखाया है कि सारे ये बच्चे दिख रहे भी बैठे हैं बड़े होशियार हैं, नेटों से भी और किताबों में हर चीज़ मौजूद सब कुछ मौजूद है, तुम दिखा रहे असल चीज़ें ही करके दिखा हैंडल करके दिखा, मैं कहा अच्छा मैं एक सांस को तो मेरे का बट डोंट वरी टुमारो एट 2 o'clock आई हैव माई हैंड ऑन तो यू आर इन्वाइटेड ऑलवेज अ पेड वन बट यू कैन कम एज माई गेस्ट उसका लाल मुझे मिल गया वहाँ पे भी एक अजीब सा सिलसिला ये है कि सारे एग्जाम हो गए रॉयल कॉलेज से जब करना था तो अब वो मुझे कहेंगे जी लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग ले जाओ, यहाँ से तो मैं पी एम बी सी से लेके इनको भी मैंने बड़ा लताड़ा, इन्होंने ऊपर लिख दिया वैलिड फॉर 6 months, मैं सेक्रेटरी को पढ़ गया बड़ी सोचाइश है मैं तो वोट मीन बाई 6 months की वैलिडिटी, एक बंदा यहाँ प्रैक्टिस ही करता वो नहीं जी वो जो बाहर होते हैं तो वहाँ मैं बिल्कुल गौया बाहर मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेंटिस्ट, उन पर मैंने कहा बाद में उसने एक किसी प्रधान को अपॉइंट किया मेरे कहने पर, बाद में मुझे कॉल करके कहा करता कि देखते हैं हमने वहाँ की एनी वे उनको कुछ पता नहीं था ये सारी अपने बारे में है ये भी बता दूंगा, ये देखें जो कि ये आई साहब के साथ की जो दाढ़ी बने हैं ये वाज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन हमारा यार मेरे यहाँ शीशा लगा हुआ है तो कैंडिडेट डरते हैं कुछ चीजें मारते हैं ये भी आपने डेफिनेटली बच्चों को कराया होगा ये जो है ना इस बार ये मैंने मुझे बताया कि 3 years तक मैंने वहाँ इम्प्लॉयमेंट भी किया काम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ओशन का साथ दिया कि ये आ जाते थे अपना जो है ना आइस बर्ग से और डॉक्टर यकीन करें कि थोड़ी देर के बाद आप देखें तो शेप बदल गई वहाँ मुँह से निकल कर गया अल मुसव्वर जो है ना कैसा तस्वीर बन गई और कैसा थोड़ा सा आगे में ये था पीछे का ये है वो ये जो वासवी इनको मिला है कि आपके ये हुए हैं पाकिस्तान भाई लोग मैं इसलिए आरिमन जी का भी इनका जिक्र करूँ यू नेवर नो यू कुड बी अ प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ कंट्री इंशाल्लाह मेहनत करेंगे पॉलिटिक्स के अलावा सेकंड पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर ही इज द सेकंड वन एक पहले कोई और भी डेंटिस्ट था जो वर्ल्ड का सर हो सकता है आप लोग बनने वाले ये था जो वो मैं बता रहा था वो डॉक्टर नजीब का पूछा सर तो वो जो उसके साथ जी के साथ ही होता अच्छा ये था ही वाज द डीन कहते हैं जितने स्कूल नजर आ रहे हैं ना डॉक्टर सारे मेरे स्कूल से मैंने कहा
लेकिन दे टुक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है स्टेप इट को जो जाया था उस पर कैंटर में ये देखिए उनके वियतनाम में लगे हुए हैं अच्छा अरेंजमेंट था उनका अभी जब याद करते हैं फिर इस साल फिर बुलाया था उन्होंने ये गीत था भी ये बड़ा मजा आया रैंडमली इनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था तो बड़ा था ये बाबा एक लफ्ज इंग्लिश में आती थी तूफान दोस्त पा के मैंने कहा तू उस जमाने का डेंटिस्ट है जब अपना फुट इंजन हो सकते एक्टिंग करके ना बड़ा हौसला हो जाता है तो मैंने कहा दर्द में ऐसे मैंने कहा ग्रेट डेंटिस्ट था और ग्रेट पेशेंट्स थे उसका जो फुट इंजन से जो ट्रेनिंग करते थे ये मैं आपको बता रहा था ये जो भी ये उन्हीं की क्लिनिक है